करूंगी मैं। अभी बज गई है 8 एंड मैं रिसेंटली उठ के ब्रश करने के बाद चाय के साथ शुरुआत कर रही हूँ। आई होप मतलब अब भी मतलब चाय वगैरह नाश्ता वगैरह कर लिए होंगे। सो आज एक्चुअली हमारी फ्लाइट है 5:30 को एंड ये थोड़ी सी टेंस्ड है बिकॉज एक्चुअली यहाँ से डायरेक्ट फ्लाइट है एंड हम कहाँ जा रहे हैं, मतलब ये हमारी सेकेंड इंटरनेशनल ट्रिप है। वैसे तो आप गेस करके भी जान पाओगे बट फिर भी मैं एयरपोर्ट पे आपको दिखा दूंगी, आप उससे जान पाओगे कि हम कहाँ जा रहे हैं एक्चुअली। एंड जानने के लिए आपको व्लॉग भी देखना पड़ेगा, सो स्टे ट्यून्ड। एंड यू नो व्हाट, मतलब आप जब भी टिकट करोगे ना तो माइंड में ये ज़रूर रखना कि मतलब कितनी किलो आप कैरी करके लेके जा पाओगे, बिकॉज हमारी थी 30 किलो 60 किलो पर पर्सन 30 किलो इंटरनेशनल फ़्लाइट में। एक्चुअली फ़्लाइट के ऊपर डिपेंड करती है कि मतलब आप कितने किलो लेके जा पाओगे। मैं तो सर्च कर रही थी, व्लॉग वगैरह देख रही थी, सब बोले थे एवरीबॉडी की 32 किलो, बट यहाँ पे इंडिगो में हम जा रहे हैं एंड इंडिगो में मेंशन है कि 30 किलो एक्चुअली। तो इसीलिए हम थोड़ी सी मतलब शॉपिंग वगैरह अगर कुछ हुई तो फिर मतलब कहाँ से लाएंगे वो। एंड वो अगर दो ट्रॉली भी ले रहे हैं ना तो फिर वो ट्रॉली टूट ना जाए, फट ना जाए, इसलिए हम बैकअप में और दो मतलब एक केबिन बैग लेके जा रहे हैं। एंड यू नो व्हाट, केबिन बैग में भी ना आप 7 किलो लेके जा पाओगे। तो हम दोनों वही बात कर रहे थे कि अगर मतलब मेन ट्रॉली दो हो गई टोटल, मतलब आप चेक इन में ना 30 किलो लेके जा पाओगे, टिल लास्ट 30 किलो है। केबिन सूटकेस एक्चुअली 7 किलो 7 किलो पर पर्सन एंड उसके साथ आपकी बैकपैक भी होगी, लड़कियों की वैनिटी भी होगी, लैपटॉप भी होती है, तो ये सब अलग है। बट मैं चेक इन की बात कर रही हूँ, चेक इन में आप 30 किलो 30 किलो ही लेके जा पाओगे। तो ये एक्चुअली फ़्लाइट के ऊपर डिपेंड करती है एंड हमारी थी इंडिगो तो हमारी थी 30 किलो, तो हम 4 ट्रॉली लेके जा रहे हैं, मतलब एक मेरी केबिन सूटकेस एंड दोनों की 2 ट्रॉली और एक लेके जा रहे हैं मिडिल सी, वो भी चेक इन में ही डाल लेंगे बिकॉज जाते वक्त तो कुछ भी मतलब इतना नहीं है। फिर भी हम 12-13 दिन रुक रहे हैं वहाँ पर तो फिर थोड़ी सी तो ड्रेस वगैरह ज़्यादा लेनी पड़ेगी, बट ये बोल रहे थे कि ज़्यादा ट्रॉली में मत घुसा बिकॉज मतलब वहाँ से हम खरीद लेंगे। बट यहाँ पे मैं इतनी दिनों से शॉपिंग कर रही हूँ, क्यों नहीं लूँगी। एंड वो सब ना रिटर्न वगैरह में तो ज़्यादा मिंत्रा ही फॉलो करती हूँ, नहीं तो ऑफलाइन यहाँ पे, बट मतलब वो सब रिटर्न भी नहीं कर पाऊँगी, मतलब वो क्या करूँगी मैं। एंड वो सब बाहर जाने के लिए मैंने ऑर्डर की थी, ये बोले थे कि मत ले, बस वही है। और क्या मतलब, ये थोड़ी सी टेंस भी है, इनको देख के मैं भी टेंस हो रही हूँ। सो अभी हो गई है, बात करते करते 8:30 भी हो गई है। मुझे मेकअप का कोई भी सामान मैंने नहीं रखी है ट्रॉली में एंड बाथरूम वगैरह एंड वो जो थोड़ी सी होती है ईयरबड, वो सब कुछ थोड़ी सी छोटी छोटी चीज़ें ना मतलब याद करके लेना पड़ेगा, जो कि मैंने लास्ट को रखी थी बिकॉज लगा के जाऊंगी ना तो उसके बाद ही कुछ कैरी करूंगी। एंड वो जो मॉइस्चराइजर वो सब कुछ, सो
ये सब कुछ अभी डालना होगा एंड मॉर्निंग के ब्रेकफास्ट एंड लंच थोड़ी सी जल्दी कर देंगे क्योंकि ये ऑफिस से आएंगे तो आधा घंटा में हम निकल जाएंगे एंड एयरपोर्ट थोड़ी सी रश रहती है रोड टुवर्ड्स यहाँ से भुवनेश्वर तक, तो की शुरुआत और क्या एंड ये देख पा रहे हो ऑलरेडी आप, इसलिए मैं ज़्यादातर ऐसे 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 करके देख रही हूँ ताकि आप कमेंट में बताना कि वाह ये नेल्स कितनी खूबसूरत दिख रही है, मुझे कमेंट में बताना ये कैसे दिख रही है। एनीवेज सो गाइस स्टे ट्यून एंड मैं क्या कर रही हूँ कब निकल रही हूँ सब कुछ एंड यू नो मोस्ट इम्पोर्टेंट हम कहाँ जा रहे हैं आप कमेंट में बताना एंड यू नो वहाँ जाने के बाद आपको पता चल ही जाएगी यार, लाइक गेस करके आप जान भी पाओगे कि डायरेक्ट फ्लाइट है तो कहाँ है एंड मतलब सिंपल सी बात है। फिर भी आप व्लॉग जरूर देखना, व्लॉग देखने के लिए भी मैं नहीं बता रही हूँ कि मैं कहाँ जा रही हूँ, सो स्टे ट्यून हम दोनों ही जा रहे हैं कपल व्लॉग दिस इज, सो टिल देन टाटा मिलते हैं नेक्स्ट में क्या कर रही हूँ, लव यू ऑल। हाँ जाते जाते हमारी एक आ गई है पार्सल जो कि क्या है ये एक्चुअली कुछ मतलब व्लॉग करने के लिए सेल्फी स्टिक ही है बस जो कि आज ही डिलीवर होने वाली है बिकॉज मैंने ऑर्डर की थी 22 को डिलीवर होनी चाहिए 22 के अंदर तो अभी डिलीवर हुई है। आज यू कैन सी एक्चुअली क्या है एक्चुअली मैंने एक्चुअली ये इंस्टाग्राम में देखी थी कि मतलब इजी हो रही है थोड़ी सी तो गिम्बल की तरह दिख रहा है लाइक दिस सी देखते हैं क्या है एक गिम्बल टाइप का है लेकिन शायद मैनुअल वगैरह भी है That one kind of gimbal ना हाँ एक टाइप का गिम्बल ही है ये फिक्स है ऑलरेडी मतलब ये बड़ा भी होगा मतलब कहाँ से कोई कुछ ओपन होता है एंड धीरे ये पूरा सेल्फी स्टिक की तरह हो जाएगी कुछ है वहां पे मैनुअल है ना हाँ भाई लाइक इसीलिए मैं ये लेके आई हूँ ठीक है बहुत बड़ा हो जाएगा ये इसीलिए मैंने ऑर्डर किया है ये वाला सेल्फी S6 सेल्फी स्टिक ट्रैपर टेक आउट द रिमोट कंट्रोल सील हो गई है तो फिर नहीं दिखा सकती ये है पीनट बटर जो कि हम वहाँ पे खाने वाले हैं बिकॉज ब्रेकफास्ट के लिए मतलब रूम में ही खा के जाएंगे सो मतलब इसीलिए ये पीनट बटर लेके जा रहे हैं बिकॉज ही लव्स पीनट बटर मैं इतनी नहीं बट फिर भी आई लव पीनट बटर विद चॉकलेट नो सो ये लेके जा रहे हैं विद स्पून एंड वहाँ पे ब्राउन ब्रेड वगैरह ऑर्डर करके खा लेंगे ब्रेकफास्ट के लिए पर्टिकुलर कंस्टेंट ऑप्शन है फॉर 13 डेज एंड सो मैंने बहुत कुछ मतलब अभी तक भी नहीं रखी है एंड 2 बजे निकलना है सो लेट्स गो। सो गाइस यहाँ पे आप देख पा रहे हो ऑलरेडी मैं बहुत कुछ सर्च कर रही हूँ आपको पता है पता नहीं होगी बिकॉज मतलब मैं तो बता ही नहीं हूँ एक्चुअली मैं यहाँ पे मेकअप की मतलब जो भी मुझे लेना है वो सब कुछ ऐड कर रही हूँ बिकॉज मैंने ये लास्ट को रखी थी मुझे यूज करनी थी उसके बाद कुछ वैनिटी में कैरी करूँगी एंड कुछ ट्रॉली में डाल लूँगी एंड ये जो बोरो प्लस आप देख रहे हो ना ये तो डेली बेसिस चीज़ है तो आपको भी लेनी चाहिए एंड मैं कन्फ्यूज हो रही हूँ और क्या लूँ और क्या लूँ एंड फाइनली ये जो है ना आईब्रो एंड काजल की जो पेंसिल है मैंने कहा कि इसको भी अच्छे से शार्प कर लेते हैं बिकॉज वहाँ पे मतलब मैं कंफ्यूज होंगी एंड कहाँ पे ढूंढूंगी क्या करूँगी एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट आपको पता है मैं ना ये पिन भूल गई थी यार लाइक मुझे मतलब एक्चुअली मैं यहाँ से ना लेके जा रही हूँ इथनिक तो इथनिक विदाउट ड्राप आप कैसे पहनोगे
थैंक गॉड मुझे वो ले गई, मतलब याद आ गई. एंड ये आप देख पा रहे हो ऑलरेडी मैं विटामिंस भी ले रही हूँ अभी बिकॉज ऑफ जिम वगैरह एंड कुछ. एंड ये इनो आपको भी लेनी चाहिए, आपकी डेली बेसिस जो भी चीज़ है वो आपको एक्चुअली वैनिटी में ही कैरी करनी चाहिए बिकॉज आप तो हमेशा खाते रहोगे ना. मतलब जैसे कि होगी आपकी डेली मेडिसिन वगैरह जो भी, मतलब हेडेक की, जैसे कि मैं हेडेक की कैरी करती हूँ उसी तरह. एंड ये हो गई फाइनली सब कुछ डन, लगभग मतलब डन हो गई बिकॉज मैं जो डेली की कैरी कर रही हूँ वो सब कुछ मुझे वैनिटी में डालनी है. एंड इतनी ज़ोर से गर्मी हो रही थी ना, एंड उसके बाद मैं इसे ऑन करके यहाँ पे आप देख पा रहे हो ऑलरेडी मैं स्ट्रगल कर रही हूँ मेरी नेल एक्सटेंशन की वजह से. एंड यहाँ पे मैं ऐड करनी चाह रही थी कि मतलब आई जस्ट लव टोनर. एंड टोनर ना ये जो है मतलब मेड बाय मी, ये मेरी मतलब ये एलोवेरा जेल एंड रोज वाटर को आपको अगर अच्छे से मिक्स करके आफ्टर शावर आपको आप लगाओगे ना फेस पे तो मतलब इतनी आप रिफ्रेश फील करोगे एंड स्किन ना आपको बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगेगी. मेरी एक छोटी सी नुस्खा है. एंड मैं इतनी मतलब इतनी ट्रबल फेस कर रही हूँ ना अभी, मतलब वीडियो करते करते ना ये सब कुछ नीचे गिर गई थी यार. आप मेरी शक्ल देख पा रहे हो ऑलरेडी, मैं आपको दिखा रही हूँ क्या हुआ है नीचे. यू कैन नॉट बिलीव यार, सब कुछ नीचे गिर गया यार. मतलब जो भी मतलब आर्ड की थी ना वो सब कुछ वीडियो करते करते ना वो मतलब वो सब कुछ वो जो बोतल मैंने पकड़ी थी ना वो धीरे धीरे नीचे हो गया. एंड फिर से मैंने मतलब दो बार मैंने गिरा दी थी ऑलरेडी, मूड ऑफ हो गई थी बिकॉज धीरे धीरे लेट हो रही है. ब्रेकफास्ट भी नहीं की थी, बस चाय पी के ये सब कुछ ख़त्म कर रही थी. एंड ये भी चले गए हैं ऑफिस, मुझे सब कुछ ख़त्म करना है. मेरी गुस्सा आप देख पा रहे हो ऑलरेडी, खुद के ऊपर मैं गुस्सा हो रही हूँ. दो बार कौन गिराता है यार, लाइक इतनी मतलब आप ना पैकिंग कभी भी इतनी मतलब जल्दबाजी में मत करना, मेरी सजेशन आपको यही रहेगी. एंड फाइनली मैंने कहा कि चलो इसको अच्छे से ठंडे दिमाग से मैं ये सब कुछ ऐड कर लेती हूँ. एंड मेरी नेल एक्सटेंशन की वजह से फिर से मतलब इतनी ट्रबल आप देख पा रहे हो ऑलरेडी. बट यू नो ये जो सेप है ना मेरी नेल एक्सटेंशन की, इसके वजह से मैं थोड़ी बहुत काम कर पा रही थी. बट वो जो फ्रेंच स्क्वायर की नेल है ना वो सब में उतनी काम नहीं कर पाओगे, मतलब मैं तो नहीं कर पाती हूँ आपका पता नहीं. बट ठीक है, फाइन, इट्स फाइन. एंड आप देख पा रहे हो ऑलरेडी फाइनली ये नई वाली एलोवेरा जेल मैंने ओपन कर ली. एंड फिर इसको मतलब रोज वाटर एंड एलोवेरा जेल को अच्छे से मतलब मिक्स करने के लिए इसको अच्छे से आप देख पा रहे होगे मैं सेक कर रही हूँ. एंड ये इतनी रिफ्रेश देती है ना, आप ये जब भी यूज़ करोगे ना तो फिर आप खुद फील कर पाओगे. ये क्लिंजर की तरह काम करती है, मतलब आपको वो आपके पोर को ना अच्छे से ये क्लीन कर लेती है. एंड यू कैन यूज ऑल्सो नाइट क्रीम की तरह भी आप इसे यूज कर सकते हो, मतलब विटामिन ई कैप्सूल ऐड करके. एंड गाइस ये जो आप देख रहे हो ना ये है सेटाफिल की टोनर, जो कि मैं अभी मतलब मेरी ऑयली स्किन के वजह से मैं पहले ये यूज नहीं कर रही थी बट अभी ये ट्रेंडिंग में चल रही है. एंड सेटाफिल मतलब ये सब हर स्किन के लिए है ऑलरेडी, मेरी है ऑयली स्किन तो मैंने ये सेटाफिल ऑयली स्किन के लिए ली थी. एंड ये आप देख पा रहे हो ऑलरेडी बहुत सारे ब्रशेस है जो कि मैं सब कुछ कैरी नहीं करना चाहती हूँ बिकॉज मैं उतना मेकअप पसंद नहीं करती हूँ एंड मुझे मेकअप आती ही नहीं है. सो मुझे यहाँ पे मतलब जो जो मुझे चाहिए मेरी मेकअप के लिए बस वही मुझे लेना है, इसलिए मैं इसको लेने के बाद मेरी मेकअप होगी डन एंड पैकिंग. एंड फाइनली गाइस आप देख पा रहे हो ऑलरेडी मैं आ गई हूँ स्टिचिंग के लिए. मैं आई हूँ एक्चुअली 2 बजे, मतलब मुझे निकलना है अभी, 12 बज चुका है ऑलरेडी. कैन यू इमेजिन मतलब मैं कैसे जा रही हूँ. एंड इनके पास गाड़ी है इसलिए मैं ऑटो से जा रही हूँ, अकेली जा रही हूँ, मम्मा घर पे. एंड यहाँ क्यों जा रही हूँ मतलब जब आप आगे जा के देखोगे मैं एक्चुअली जा रही हूँ मेरी मतलब मैं जो भी इक्विपमेंट कैरी करने वाली हूँ वहाँ पर वो लिटिल बिट लूज़ हो रही थी तो टाइट वगैरह करने के लिए. एंड एक वन पीस भी थी वो भी लिटिल बिट लूज़ हो रही थी एंड कुछ टाइट वगैरह हो रही थी, वो सब कुछ करने के लिए मैं पहुंच गई हूँ. एंड आप देख पा रहे हो ऑलरेडी मैं ये ट्राई भी कर रही हूँ. एक ड्रेस तो मैंने यहाँ पे ही ऑलरेडी रिवील कर ली, आगे आप बोलोगे कि ये वाली ड्रेस हमने ऑलरेडी देख लिया था. एनीवेज ये वाली आप पीछे जो देख रहे हो ना वो वाली थोड़ी सी मतलब टाइट हो रही थी तो वो थोड़ी सी स्टिच वगैरह कर ली थी. एंड आई एम हैप्पी ना एज यू कैन सी. एंड फिर से मैं मतलब हैप्पी जा रही हूँ घर बिकॉज इट्स टू लेट. अभी बज गई है ऑलरेडी 1 o'clock एंड 2:30 के अंदर हमें एयरपोर्ट के लिए निकलना है. एंड यहाँ पे इतनी रस
आप देखो अभी गौरवी की देखिए इस जायके की काम यहाँ पे इतनी ज़ोर से चल रही है ना, छोड़ो। तो मैं घर पे आ गई एंड मम्मा ने ऑलरेडी खाना पीना ऑलरेडी लंच के लिए रेडी करके रखे थे एंड आज हमारी है, आप खाना देख पा रहे हो ऑलरेडी, ऑथेंटिक ओडिया डिश है जो कि है पखाड़ो भात एंड फिश फ्राई। एंड फाइनली खाना ख़त्म करने के बाद मैं रेडी हो रही हूँ मेरी एयरपोर्ट लुक के लिए। उससे पहले क्या करते हैं हम, हर एक इंसान पहले क्या करता है, पर्टिकुलरली लड़कियां सब क्या करते हैं, आइस रब ही करते हैं। ये आइस ही है, मैं पर्टिकुलरली ये रख के मतलब फ्रीज कर ली थी कि मतलब मुझे ये वाली लगानी है। मामा देख के डर गए थे कि ये क्या ब्लड वगैरह क्या मतलब, बट ये ब्लड नहीं है, ये आइस क्यूब है। इसके बारे में मैं आपको बाद में बताऊंगी। अगर आप वीडियो पूरा देख रहे होगे ना तो फिर ये भी आप मुझे कमेंट करके बताना एक्चुअली मैं ये क्या यूज़ कर रही हूँ। एंड ये मैं अच्छे से रब कर रही हूँ बिकॉज ऑफ मुझे मेकअप लेना है, लाइट मेकअप ही लूँगी मैं बिकॉज मैं मेकअप पर इतनी बिलीव नहीं रखती हूँ। नेचुरली मुझे, मैं ज़्यादा अच्छी दिखती हूँ दैन मेकअप ये बोलते हैं। सो मेकअप के बाद मुझे चाय वगैरह भी पीनी है तो मैं अच्छे से यहाँ पे आइस क्यूब वगैरह रब कर ली है। एंड आप मेरी शक्ल देख पा रहे हो ऑलरेडी कितनी मतलब गंदी दिख रही हूँ। एंड फाइनली आप देख रहे हो कितनी स्किन मतलब कितनी अच्छी दिख रही है यार। आप जब भी मेकअप करना ना उससे पहले आप आइस क्यूब थोड़ी सी फेस पे रब करना, जो भी सिंपल मतलब ऐसे नहीं कि मतलब कोई भी अगर होगी पर्टिकुलर। तो हो गई हमारी आइस क्यूब की बातें एंड उसके बाद मैं टोनर की बात लगा रही हूँ जो कि डेली बेसिस पे जो भी मैं मॉइस्चराइजर यूज़ करती हूँ, आप भी जो डेली बेसिस पे मॉइस्चराइजर यूज़ करते हो वही लगाना। दिन में 3-4 बार तो लगाना पड़ता है गाइस, मतलब स्किन के ऊपर डिपेंड करती है, बट ज़्यादा मॉइस्चराइजर लगाना मतलब स्किन के लिए अच्छी है, आपकी स्किन के ऊपर डिपेंड करती है। उसके बाद मुझे बस आपको जैसे कि मतलब आई टोल्ड यू कि मुझे लाइट मेकअप चाहिए, मेकअप नहीं बस मॉइस्चराइजर पे ही मैं वाइंड अप करूँगी एंड सनस्क्रीन भी मैं नहीं लगाऊंगी बिकॉज इवनिंग को मेरी फ्लाइट है, रात को कौन लगाता है सनस्क्रीन। सो फाइनल लुक के लिए जल्दी से रेडी हो जाते हैं, सो स्टे ट्यून्ड। मैं इतनी परेशानी, मुझे झेलनी पड़ रही है ना आज, कैन सी इनको बुलाना मुझे पड़ रहा है कि आप मुझे ये कर दो वो कर दो। एंड इनको तो जो आता है मैं आपको नहीं बता सकती, ये अच्छे से मतलब मुझे हंसी आ रही थी कि ये लगा पाएगी कि नहीं एंड मैं पहन पाऊंगी कि नहीं एंड फाइनली इट्स डन। एंड ये भी इतनी बार ना ट्रायल कर चुके थे उनकी मतलब कौन सी पहनेंगे क्या करेंगे, तो उन्होंने कहा कि मैंने तेरी लगा ली तू मुझे भी दिल लगा ले एंड उसके बाद निकलते हैं। एंड फाइनली वी बोथ आर रेडी एंड ये है मेरी फेवरेट चूड़ा जो कि मैं कभी भी नहीं भूलती हूँ जब भी बाहर जाती हूँ। आई जस्ट लव चूड़ा। ऐसा नहीं है कि मतलब नई नई शादी करोगे तभी पहनेंगे, मतलब ये आपके ऊपर डिपेंड करती है, आपकी चॉइस के ऊपर डिपेंड करती है कि आपको ये पहनना है कि नहीं। एंड फाइनली आई एम रेडी।
पैलेट एंड अभी जा रहे हैं हम नीचे। एंड ये जो मेरी लिपस्टिक ज़्यादा हो गई थी लिप्स में, तो इसलिए मैंने ये चिक्स पे लगा ली जो कि ब्लश की तरह काम करती है। एंड गाइस वीडियो थोड़ी सी बड़ी हो जाएगी, इसलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टाटा बाय बाय, लव यू ऑल। वीडियो अच्छी लगी डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर सब्सक्राइब, लव यू ऑल।